So hello viewers, welcome to my YouTube channel Medical Learning, and today we are going to discuss about what is uric acid. देखिए यूरिक एसिड क्या होता है, तो आप यूं समझ लें कि यूरिक एसिड जो होता है हमारे बॉडी के अंदर जो होता है एक प्यूरिन नाम का सब्सटेंस होता है, एक प्यूरिन नाम का सब्सटेंस होता है जो जिसके ब्रेक डाउन होने से यह यूरिक एसिड बनता है. जब यह प्यूरिन क्या होता है, जब हम प्यूरिन रिच फूड खाते हैं या फिर हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, प्यूरिन पाया जाता है. जब भी हम क्या करते हैं, प्यूरिन रिच फूड खाते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन, उनको जब हमारे बॉडी में आके ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और वो जाके वहाँ वो जाके होता है, वो आपको ब्लड में जाके मिल जाता है. तो जब ब्लड में मिलता है तो ब्लड के थ्रू किसमें, वो आपको किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आना चाहिए. लेकिन जब हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते, प्रॉपर जितने भी उन पेशेंट में क्या सीकेडी देखने को मिलते हैं, किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज देखने को मिलते हैं, या फिर कोई भी, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं उनमें, ठीक है, या फिर यूटीआई की समस्या होती है, तो उन पेशेंट में क्या होता है, इनके बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं. तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, हमें पहले अपने किडनी के हेल्थ को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है. अब होता क्या है कि जब प्यूरिन जो ब्रेक डाउन होता है, जो प्यूरिन टूटता है, तो हमारे ब्लड में आके मिल जाता है, घुल जाता है. अब किडनी क्या करेगा, उस यूरिक एसिड को ब्लड में से छानने का काम करेगा. तो क्या होता है, जब प्रॉपर वह किडनी प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने की ज्यादा संभावना होती है. तो यही होता है आज का टॉपिक, यही था. थैंक यू, जय हिंद.